Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अपनी प्रभावशाली स्पीचेस से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले इन एडुकेशनिस्ट और पॉलिटिशियन ने हरिद्वार की हर की पौड़ी में कौन सी मशहूर प्रथा शुरू करवाई, आइए देखते हैं। प्रयागराज में पैदा हुए मदन मोहन मालवीय जी ने पाठशाला सिस्टम से अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की, जहां वो भगवत गीता जैसे शास्त्र पढ़कर सुनाने के लिए मशहूर थे। मालवीय जी की संस्कृत में बहुत रुचि थी और वो उसमें एमए करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो संभव नहीं हो पाया। इसीलिए अपने परिवार की मदद करने के लिए टीचिंग से शुरुआत करते हुए उन्होंने नौकरी करनी शुरू की। 1886 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में एक जोरदार स्पीच देकर सबको अपनी योग्यता का परिचय दिया। उनकी ये स्पीच इतनी प्रभावशाली थी कि उसकी वजह से हिंदुस्तान नाम की एक वीकली मैगजीन में उन्हें एडिटर की नौकरी मिल गई। उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई शुरू की। एलएलबी पास करने के बाद वो 1893 में हाईकोर्ट में एडवोकेट बन गए और लॉ प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने अपनी वकालत की स्किल्स इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश सरकार को भारत की कोर्ट्स में देवनागरी अपनाने के लिए भी मना लिया। ये उस समय भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिसकी वजह से भारतीय लोगों का कोर्ट में अर्जी डालना आसान हो गया। 1922 में चौरी चौरा में गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से 170 प्रोटेस्टर्स गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें फांसी लगने वाली थी। मालवीय जी ने उन्हें बचाने का जिम्मा अपने सर लिया और 1923 में ट्रायल के दौरान कोर्ट को 151 लोगों को बाइज्जत बरी करने के लिए मना लिया। मालवीय जी वकालत के साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे थे। वो भारतीय युवाओं को शिक्षित करने की मुहिम में लगे हुए थे। इसीलिए अपनी लॉ की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद उन्होंने शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज की स्वदेशी शिक्षा को वेस्टर्न एजुकेशन के साथ मिलाकर भारत के युवाओं को एम्पावर करना चाहते थे। इसीलिए मालवीय जी दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर से यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए डोनेशन मांगने गए, लेकिन उन्हें डोनेट करने के लिए कन्विंस करना इतना आसान नहीं था। मालवीय जी ने बहुत प्रयास किया, पर महाराजा जी टस से मस नहीं हुए। फिर एक दिन मालवीय जी को भगवत गीता सुनाता देख महाराजा जी उनसे इतना इंप्रेस हुए कि वो यूनिवर्सिटी के लिए 25 लाख रुपए देने को तैयार हो गए। लोगों को कन्विंस करने के अपने टैलेंट से मालवीय जी आखिरकार 1,34,00,000 रुपए जमा करने में सफल हुए और आखिरकार 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। मालवीय जी का पॉलिटिकल करियर बहुत शानदार रहा और वो 4 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। इस दौरान उन्होंने सत्यमेव जयते के स्लोगन को अपनी एक स्पीच में इस्तेमाल करके पॉपुलराइज किया, जो आज भारत की जुडिशरी का आधार है। उन्होंने गंगा पर अंग्रेजों के डैम बनाने की योजना को भी सफल नहीं होने दिया और उनके साथ गंगा पर कभी भी डैम न बनाने का अग्रीमेंट साइन किया। इसी वजह से आज भी गंगा नदी की पावनता बरकरार है और श्रद्धालु बिना किसी समस्या के इसकी पूजा कर पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हरिद्वार की हर की पौड़ी पर होने वाली मशहूर गंगा आरती की प्रथा को भी शुरू किया, जो आज हरिद्वार की आइडेंटिटी है। मालवीय जी एक इंस्पिरेशन थे। उन्होंने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों को भी प्रेरित किया था। शायद इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मालवीय जी को महामना की उपाधि देकर सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी महामना मालवीय जी को 2014 में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न देकर उनके कर्मों को
सदा सदा के लिए अमर कर दिया।